बिजनौर में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बिजनौर के मोहल्ला बुखारा में बकली फाटक के पास स्थित जमीन को जेसीबी मशीनों की मदद से खोदा जाने लगा। लोगों को जैसे ही यह पता चला, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और जेसीबी मशीन के सामने लेट गए। उनका कहना था कि यह सैकड़ों साल पुराना कब्रिस्तान है जिसमें वो मुर्दे दफन करते आ रहे हैं। जेसीबी मशीन चलने से एक कब्र का तख्ता भी बाहर निकल आया। ये देखते ही लोग आग बबूला हो उठे और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस कब्रिस्तान के पास में ही स्थित एक कॉलोनी का पानी यहाँ पर डालने के लिए इसको खोदा जा रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर महिलाओं का भी जमावड़ा लगा हुआ था। हंगामे की खबर मिलते ही SDM बिजनौर मौके पर पहुंचे और लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। लेखपाल साहब हैं, ये बाउंड्री अलग कराएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ कब्रें हैं। कब्रें कहाँ हैं? कब्रें कहाँ हैं? ये कब्र ही है सर। ये थोड़ा पीछे बोलिए। ये नहीं दिखा के दान को, ये कब्रस्तान किसके है, किसका नहीं है, कुमारों का है ये? जहाँ तक तुम्हारी तुम तो बताओ ना, मतलब कब्र साने तो उंगले हो जहाँ तक तुम्हारी तुम तो बताओ ये हमारी कब्र साने का अपने हर मंदिर का सब अब तो कब्र साने हो लगा देना। इधर कब्र है यार, इधर कब्र है, उधर खुदाई जी, जैसे इधर से है ना, उधर नहीं जाएंगे, इधर कब्र है, इधर कब्रें हैं, उधर खुदाई जी, जैसे इधर से है ना, ये से है ना जी, इसके इधर मत जाओ। कब्रिस्तान की बाउंड्री अलग होगी, ठीक है, ठीक है। अब ये लेखपाल साहब हैं, ये बाउंड्री अलग कराएंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं, जहाँ कब्रें हैं, कब्रें कहाँ हैं? मोहम्मद आसम, मोहम्मद आसम जी, ये कब्रिस्तान को लेकर यहाँ पे जो अभी भीड़ इकट्ठा थी, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है कि ये कब्रिस्तान है सारे यहाँ। अच्छा, और ये यहाँ तालाब बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, वास्ते भी ये तो अंग्रेजी ज़माने से है। अच्छा, कितने कितने वर्ष पुराना है? बता तो जाए, अंग्रेजी ज़माने से लगा लो अभी, तो यहाँ लकड़ी तो दिए नंबर भी नहीं है, जबकि अंग्रेजी ज़माने की ईंट है, अब की है भी नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ये है कि हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान ही रहने चाहिए। पड़ोस में जैसे तालाब आ रहा है, तालाब जैसे पड़ोस में पहले इन्होंने बढ़ा दिया था, कोई बोला ना था जी, समझे नहीं। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जब ज़्यादा ना जायज़ करने लगे, क्योंकि कब्रिस्तान है।